हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। 11 बजे का ये सेशन आप सभी के लिए एमसीक्यू सेशन होता है, संपूर्ण जीके के से संबंधित किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहता है, तो आप सभी का स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सभी एजुकेटर्स का फायदा आप उठा सकते हैं और इसके साथ साथ एक संपूर्ण दिशा में संपूर्ण तैयारी, एक सही दिशा में तैयारी करने के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए, यदि आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप्स को इंस्टॉल नहीं किया, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी को बता दूं अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और जिस प्रकार से दूसरी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इसके बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे और प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना गोल सेलेक्ट कर लेंगे एमपी पीएससी एंड व्यापम। ध्यान रखना है आपका कॉमन गोल होगा एमपी पीएससी एंड व्यापम। इसके बाद अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप प्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस जो कि पेड होती हैं दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। प्री क्लासेस आप किसी भी एजुकेटर की प्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। कोड याद रखिएगा PANDEY, इस कोड के माध्यम से किसी भी एजुकेटर की प्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। मेरी प्री क्लासेस आपको रिकॉर्डेड या लाइव अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, सर्च बॉक्स में सर्च करें नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन रखेंगे जिससे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकेगा। आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी सॉरी भारत की राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी शाम को 6:30 बजे से डेली आप फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ रात में 8:30 बजे से एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट, और ये भी बिल्कुल फ्री रहता है आप सभी के लिए। इसके अलावा ये लाइव सेशंस इस कोड का इस्तेमाल करके अनलॉक कर सकते हैं, और इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन भी संपूर्ण एमपी जीके थ्योरी और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास मेरी प्रोफाइल पर आप अनलिमिटेड वे में जितनी बार चाहे जिस समय चाहे उस समय देख सकते हैं। तो प्रोफाइल में जाकर के फॉलो करना नहीं भूलेंगे और इन सेशंस का फायदा जरूर उठाएंगे। कोड याद रखिएगा PANDEY, प्री क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड आपको यूज करेंगे। इसके अलावा किसी भी साथ ही साथ आपको बता दूं एमपीपीएससी के डेली T20 सीरीज टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं रात में 8:00 बजे से। 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स करंट अफेयर्स की सीरीज है और इस कोड का इस्तेमाल करके इसको भी आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जैसे मैंने बताया पूरी प्रोसेस करने के बाद ये प्लस के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग बैच, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एमपीएसआई का बैच हो, एमपी कांस्टेबल का हो, एमपी फॉरेस्ट सर्विस का हो, प्री का हो, मेंस का हो, हर हफ्ते एक नया बैच लॉन्च होता है। करेंट अफेयर्स की मैगजीन, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में और सभी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं मात्र एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रत्येक प्लस सब्सक्राइबर को वर्चस्व नाम की प्रत्येक मंथ प्रोवाइड की जाती है। एक नया बैच स्टार्ट हुआ है कल से 27 अप्रैल से, और ये बैच जो है 60 डेज का बैच कोर्स है, टारगेट बैच कोर्स है, एमसीक्यू सीरीज बैच कोर्स है, और ये कल से स्टार्ट हो चुका है। लोकेन सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ज्योग्राफी की, मेरी क्लासेस इस पर बैच में स्टार्ट हो रही है 1 मई से सुबह 9:00 बजे से 9 AM से पॉलिटी इस सेशन में मैं लूंगा इस क्लास पर पर्टिकुलर बैच में। तो यदि आप लोगों ने इस बैच में एनरोल नहीं किया तो एनरोल जरूर कर लेंगे, मेरी प्रोफाइल में इस बैच की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे 1 मई से सुबह 9:00 बजे और सभी एजुकेटर्स के क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल, 8 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है ये, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग का, और इसको भी आप इस पर भी एनरोल कर सकते हैं। कल से एक इंग्लिश मीडियम का एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये अप्रैल मंथ में बैच स्टार्ट हो रहे हैं, मई मंथ में आने वाले अपकमिंग बैचेस की भी जानकारी दूंगा। सभी बैचेस को मात्र एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल सेलेक्ट कीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम, इसके बाद किसी भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे किफायती सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का है। इस कोड का इस्तेमाल करें PANDEY, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा
मात्र 7,920 रुपए में 12 मंथ्स और 24 मंथ्स मात्र 11,520 रुपए में सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। तो ध्यान रखना है, और एक ऑफर भी अभी चल रहा है, यदि आप 30 अप्रैल के पहले, दैट मीन्स आज 28 से 30 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 मंथ्स का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, दैट मीन्स 14 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मात्र 12 मंथ्स के चार्जेज में, जो कि 7,920 रुपए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को। दोस्तों ये 11 बजे से सेशन डेली रहता है, आप सभी ज्वाइन कर जरूर ज्वाइन करें, और इसके अलावा 12 बजे से 12 PM से इंडियन इकोनॉमी का सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंप्लीट कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स फॉर MPPSC प्री प्लस मेंस। तो इस सेशन के बाद इकोनॉमिक्स का सेशन होगा, जरूर सभी लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं, सभी का स्वागत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम। चलिए गुड, इसका आंसर होगा सी, दैट इज एनी बेसेंट। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। हिंडोला महल कहां पर अवस्थित है आपको बताना है, हिंडोला महल कहां पर अवस्थित है। चलिए गुड, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, धार जिले में मांडू अवस्थित है, हिंडोला महल मांडू में अवस्थित है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, हु रोट द नोवेल मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। हु रोट द नोवेल मृगनयनी, जल्दी से बताना है मृगनयनी उपन्यास के लेखक। चलिए कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, आंसर होगा इसका ए, वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास लिखा है, द फेमस नोवेल मृगनयनी, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में 20वीं शताब्दी का आखिरी विश्व कप किसने जीता था, हु वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में या क्रिकेट का 20वीं सदी का आखिरी विश्व कप किसने जीता था आपको बताना है। जल्दी से बताना है, चलिए नहीं, आंसर होगा इसका 20वीं शताब्दी का आखिरी पूछा गया है, दैट इज आंसर होगा इसका डी, ऑस्ट्रेलिया। 1999 में ये वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स के मैदान में ये मैच जीता था, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन झूम किसे कहते हैं आपको बताना है, झूम क्या है, झूम क्या है आपको बताना है। चलिए गुड, बिल्कुल सही, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, दैट इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन है ये, स्थानांतरित कल्टीवेशन या जिसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, वेयर इज द मेन बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश का जो कि जो मुख्य पीठ है उच्च न्यायालय की, वो कहां पर अवस्थित है, आंसर होगा इसका डी, जबलपुर। बिल्कुल सही है, आंसर इसका डी, जबलपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकुंतलम किसने लिखा है, हु रोट द शाकुंतलम, किसकी रचना है शाकुंतलम आपको बताना है।
चलिए बिल्कुल सही। ये कालिदास का एक नाटक है जो पूरा नाम इसका अभिज्ञान शाकुंतलम है और मध्य प्रदेश के साहित्यकार कालिदास की रचना है। ये संस्कृत में लिखा गया नाटक है, बहुत ही शानदार नाटक। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ द सीरियल महाभारत? महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे आपको बताना है। चलिए गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। आंसर होगा इसका बी आर चोपड़ा। महाभारत सीरियल के निर्माता बी आर चोपड़ा, दैट इज आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सी, रामानंद सागर रामायण के थे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? खालसा पंथ आपको बताना है कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, लगभग आपको बताना है, लगभग। चलिए गुड, ये खालसा पंथ की शुरुआत आप सभी को पता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था, तो आंसर होगा इसका बी, लगभग 300 वर्ष पहले, लगभग 300 वर्ष पहले, दैट इज आंसर होगा इसका बी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? चलिए गुड, आंसर होगा इसका डी। आइंस्टीन का ये सिद्धांत है और उन्होंने कहा था कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, दैट इज ऊर्जा जो है वो रूपांतरित की जा सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। वर्षा राय जी गुड मॉर्निंग। किन महीनों में रबी की फसल की बुवाई होती है? आपको बताना है इन विच मंथ्स इज द रबी क्रॉप सोन। रबी की फसल जो है किन महीनों में बोई जाती है आपको बताना है। चलिए गुड, बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका सी। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, आंसर होगा इसका बी, अक्टूबर नवंबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजक क्या है? आपको बताना है उत्तेजक क्या है, इनमें से कौन सा उत्तेजक है, विच वन इज स्टूमुलेंट, इनमें से उत्तेजक कौन सा है आपको बताना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गायत्री प्रजापति, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। चलिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा मैरिजुआना। मैरिजुआना का प्रयोग जो है स्टूमुलेंट के रूप में किया जाता है, आंसर होगा इसका बी, आंसर होगा इसका बी, मैरिजुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने सही आंसर नहीं दिया था, 2019 प्री में आया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सबसे भारी ग्रह इसमें से कौन सा है, सबसे भारी ग्रह इसमें से कौन सा है, विच इज द हैवीएस्ट प्लेनेट। सबसे भारी ग्रह इसमें से कौन सा आपको बताना है। चलिए गुड, इसका आंसर होगा ए, बृहस्पति, दैट इज जुपिटर, बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका ए, जुपिटर, दैट इज बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो, क्रायोजेनिक जो ताप होता है टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, इसका तात्पर्य कितना है?
किस टेम्परेचर से क्रायोजेनिक टेम्परेचर को जोड़ा जा सकता है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। आप लोगों ने केल्विन से अंदाजा लगा लिया, आंसर होगा इसका बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, आंसर होगा इसका सी। मैंने आप लोगों से केल्विन टेम्परेचर नहीं पूछा था, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है आपको बताना है, जोड़ी आपको बताना है इसमें, ये फैदोमीटर है, फैदोमीटर, फैदोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और अल्टीमीटर, इसमें से आपको बताना है सही सुमेलित जोड़ी। सही सुमेलित जोड़ी आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा फैदोमीटर, मैं आप सभी को बता देता हूं, फैदोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई, दैट मींस आंसर हो गया इसका वन का, ए का फोर, फोर का ए, दैट इज आंसर हो गया इसका ए, बिल्कुल सही। बैरोमीटर का प्रयोग जो है बी का वन, तो यहां पर बी टू, टू बी, दैट इज आंसर हो गया इसका सी, आंसर हो गया इसका सी। वन का डी, वन है आपका, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ यहां पर, कुछ गड़बड़ है यहां पर। फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग जो है, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब का किया जाता है, वायुमंडलीय दाब, हाँ सीक्वेंस गड़बड़ है। और इसके अलावा हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग वो वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, आर्द्रता। और इसके अलावा अल्टीमीटर का प्रयोग जो किया जाता है, अल्टीमीटर का प्रयोग वो ऊंचाई के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शंस गड़बड़ हैं, ऑप्शंस गड़बड़ हैं, आप इस प्रकार से देख लीजिएगा, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, और इसके अलावा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा अल्टीमीटर ऊंचाई दैट मींस हाइट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस यहां पर गड़बड़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रोशनी खान जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। माइक मिका क्या है आपको बताना है, मिका क्या है, मिका क्या है इसमें से आपको बताना है। जल्दी से बताना है मिका क्या है। मिका या जिसे अभ्रक कहा जाता है, हिंदी में इसे अभ्रक भी कहा जाता है, हिंदी में इसे अभ्रक भी कहा जाता है। चलिए नहीं, इसका आंसर जो होगा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आंसर होगा इसका बी, आंसर इसका बी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत उपकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका क्षेत्राधिकार नहीं होता है, हु हैज नो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आपको बताना है किसका क्षेत्राधिकार इसमें से नहीं होता है बिल्कुल भी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होता इनमें से किसी का, किसका आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का, या हरियाणा के राज्यपाल का, या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, या तमिलनाडु के राज्यपाल का। चलिए बिल्कुल सही, बहुत सही, इसका आंसर होगा सी, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, आरबीआई के गवर्नर का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं होता है,
इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल का क्षेत्राधिकार होता है उस राज्य के की सीमा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट दैट इज संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, इनमें से कौन? हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बींग अ मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, आपको बताना है। आंसर होगा इसका बी, बिल्कुल सही है, ये अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, भारत के महान्यायवादी का। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, महिमा पाटिल जी, राहुल चौधरी, बिल्कुल सही है, जल्दी से बताना है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति तो हटा सकता है, बट किसकी सिफारिश पर? गुड, हिमांशी परिहार, आनवी भूषण, इन्होंने सही आंसर दिया, स्वाति आशुतोष, इसके अलावा आरती शर्मा जी ने भी सही आंसर दिया, धर्मेंद्र कार्पे जी ने भी सही आंसर दिया, इसके अलावा सभी ने गलत आंसर दिया। इसका आंसर होगा डी, आफ्टर इम्पीचमेंट प्रोसीजर, संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति पद से हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपको बताना है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि शायद एक दिन मैं ऑलरेडी इसको पूछ चुका हूं और काफी लोगों ने गलत किया था। महिमा पाटिल जी का सही था क्या? नहीं, आपने डिलीट किया है महिमा जी, चलिए कोई नहीं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, ओके महिमा पाटिल जी, कोई बात नहीं, आपका भी सही था। इसका आंसर जो है, कुछ लोगों ने गलती कर दी, इसका आंसर होगा इसका सी, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, मेजोरिटी लर्नर्स ने, आंसर होगा इसका सी, सी राजा गोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। यदि यही क्वेश्चन होता भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो फिर आंसर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, दैट इज आंसर होगा इसका सी, सॉरी बी, सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वाज ऑथर्ड बाय, ये पुस्तक आपको बताना है किसने लिखी है, द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जल्दी से बताना है, चलिए कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, आंसर होगा इसका बी, दैट इज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आंसर होगा इसका बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु आर द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
चलिए, इसका आंसर होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधानसभा के निर्वाचित बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग मेंबर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? चलिए, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बी, 6 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ये पद पर बना रह सकता है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, भारत के राष्ट्रपति आपको बताना है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए गुड, इसका आंसर जो है इसका आंसर होगा डी, दैट इज मंत्रिमंडल, कैबिनेट होगा इसका आंसर, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति, काफी लोगों ने गलत आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? गहरा संबंध आपको बताना है, क्लोज लिंक्स विद ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनमें से किसका जो है क्लोज रिलेशन रहा है हरित क्रांति से? चलिए, बिल्कुल सही, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, आंसर होगा इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन बने थे? Who was the President of India for 2 times? भारत के 2 बार राष्ट्रपति इनमें से कौन बने थे, जल्दी से बताना है। चलिए, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? Who is the highest rank civilian officer of the government of India? Highest rank civilian officer, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी इनमें से आपको बताना है। वसुंधरा मीना, सपना विश्वकर्मा, हिमांशी सिंह परिहार, आरती शर्मा, अनवी भूषण, राहुल चौधरी, गौरव रघुवंशी, सोनम दीक्षित। सपना शिल्पकार, धनीराम शिल्पकार, चलिए गुड, प्रज्ञा मेश्राम, आशिका राजपूत, इन्होंने सही आंसर दिया, आंसर होगा इसका सी, मंत्रिमंडल सचिव। कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर कोई भी हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर नहीं होता, सबसे हाईएस्ट रैंक भारत सरकार की वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र कार्पे, गुड, भारत में स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस? नहीं, पीएम नहीं होता, पीएम क्यों होगा, पीएम का पीएम अस्थाई कार्यपालिका है, जल्दी से बताना है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था इनमें से? चलिए, बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका बी, क्लीमेंट एटली, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वोहरा समिति किस लिए बनाई गई थी? वोहरा कमेटी का जो संबंध है इनमें से किससे है, शायद मैंने किसी दिन और भी पूछा था इस क्वेश्चन को, वोहरा समिति का संबंध आपको बताना है इनमें से किससे है। चलिए, बिल्कुल सही, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, दैट मींस नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित ये वोहरा समिति बनाई गई थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित सुझाव देने के लिए, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स द प्रिंसिपल फॉर शेयरिंग द रेवेन्यूज अमंग द यूनियन एंड द स्टेट्स? Which among the following recommends the principle for sharing the revenues among the union and states? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे से संबंधित मापदंड की अनुशंसा कौन करता है आपको बताना है. चलिए गुड, इसका आंसर जो है केंद्रीय सॉरी आंसर होगा इसका ए. आंसर इसका ए दैट इज फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग आंसर होगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट टू अरेंज प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग? मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से बताना है. चलिए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका आर्टिकल 350 ए अनुच्छेद 350 ए के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में प्रोवाइड करने का प्रावधान किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली? इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है इको फ्रेंडली है? कृषि की प्रक्रिया आपको बताना है. चलिए बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका जैविक खेती दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका ए ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया? Which state is called as the rice bowl of India? आपको बताना है. चलिए बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. आंसर होगा इसका ए छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बोगी, बोगी शब्द का संबंध आपको बताना है किस खेल से है? बोगी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है आपको बताना है. टू विच स्पोर्ट बोगी इज रिलेटेड टू? बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा इसका ए. बिल्कुल सही, गोल्फ से संबंधित है बोगी शब्द. आंसर होगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है. एफडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष पिप्पल, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है. दोस्तों ये सेशन डेली 11 AM से होता है, आप डेली इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके बाद इंडियन इकोनॉमी का सेशन इसी यूट्यूब के चैनल पर 12 बजे से होता है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी. इसका जो है आंसर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आंसर होगा इसका बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश. बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मेरे साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप डेली 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे से इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं. बिल्कुल फ्री क्लास होती है आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे. मैं लास्ट में प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करेंगे. सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लास इंडियन पॉलिटी की एमपीपीएससी के लिए. आंसर इसका होगा आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दीपिका कुमारी फेमस फॉर? व्हाट इज फॉर व्हाट दीपिका कुमारी इज फेमस फॉर? दीपिका कुमारी किस लिए प्रसिद्ध है?
जल्दी से बताना है, दीपिका कुमारी का संबंध इनमें से किस पर्टिकुलर विकल्प से है? चलिए, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। एक तीरंदाज है ये दीपिका कुमारी, इंडियन तीरंदाज, भारतीय तीरंदाज है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास 3 PM कर सकते हैं क्या? अनवी भूषण जी, नेक्स्ट मंथ 4 तारीख के बाद ही क्लास अब परिवर्तित हो सकती है। टाइमिंग 4 तारीख तक ऑलरेडी सारी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, तो 4 के बाद ही परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, 4 के बाद हम परिवर्तन कर सकते हैं, 4 मई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग को कौन हटा सकता है? आंसर होगा इसका डी, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फाउंडर ऑफ द न्यूज पेपर हरिजन? हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? 8:30 बजे से रात में MPPSC प्री का फुल सिलेबस टेस्ट होता है, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है, जहां पर आपकी रैंकिंग भी प्रदर्शित होगी, पोल भी मिलेगा रात में 8:30 बजे से। नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को। लास्ट में मैं प्रक्रिया बता दूंगा जो लर्नर्स अभी तक नहीं जानते हैं। तो आंसर होगा इसका न्यूज पेपर, आंसर होगा इसका हरिजन के संपादक जो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशिका राजपूत जी लिंक जाती है टेलीग्राम चैनल से, क्या आप जुड़े हुए हैं? लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का जो टेलीग्राम चैनल है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर 5 से 10 मिनट पहले डेली लिंक जाती है, हर क्लास की लिंक जाती है 5 से 10 मिनट पहले। निम्न में से किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? आंसर होगा इसका मालवा की गंगा, आंसर इसका बुंदेलखंड, क्या नहीं पूछा गया है, आंसर होगा इसका बी, छिप्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार, आपको बताना है कि स्थापना किसने की थी? Who established the first provisional government of India at Kabul in Afghanistan? अफगानिस्तान में काबुल में भारत की पहली अंतिम सरकार की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा इसका ए, राजा महेंद्र प्रताप। आंसर होगा इसका ए, राजा महेंद्र प्रताप, आंसर होगा इसका ए। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, मनीष पिप्पल जी ने सही आंसर दिया, धनीराम शिल्पकार जी ने भी सही आंसर दिया, इसके अलावा किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस तारीख को लागू हुआ था? On which date Indian Independence Act 1947 came into effect? चलिए, गुड, आंसर होगा इसका सी, 18 जुलाई 1947। बिल्कुल सही है, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉडर्न ह्यूमंस रेफर्ड टू? आपको बताना है आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? मॉडर्न ह्यूमंस को किस नाम से रेफर किया जाता है, आपको बताना है। व्हाट आर मॉडर्न ह्यूमंस रेफर्स टू एज? बिल्कुल, आंसर होगा इसका टी, होमो सेपियंस। बिल्कुल सही है, आंसर होगा आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, आंसर इसका टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है कहां पर अवस्थित है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय।
चलिए गुड, इसका आंसर है भोपाल में अवस्थित है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? हु पब्लिशेस फिस्कल पॉलिसी? राजकोषीय नीति कौन जारी करता है आपको बताना है। हु पब्लिशेस फिस्कल पॉलिसी? चलिए इसका आंसर होगा इसका सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय और मौद्रिक नीति आरबीआई, आंसर होगा इसका सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है आपको बताना है। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? चलिए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? चलिए बिल्कुल सही है आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर? भारत का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय आपको बताना है, फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर अवस्थित है? भारत का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है आपको बताना है। आंसर है इसका अमरकंटक, बिल्कुल सही, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है? दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा, 12 बजे से 12 PM से एक और सेशन होगा इंडियन इकोनॉमी का, इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर, एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग के लिए डेली रहता है बाइलिंगुअल, तो अभी सभी लोग ज्वाइन करेंगे। 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा, 15 मिनट बाद आंसर होगा इसका 6 स्वतंत्रताएं जो है गारंटीड प्रोवाइड की गई है, आंसर होगा इसका डी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अभी ये 11 बजे से सेशन डेली रहता है आप सभी को पता है, 12 बजे से अभी 15 मिनट बाद इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर इंडियन इकोनॉमी का सेशन होगा, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी प्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग के लिए शाम को 6:30 बजे से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा रात में 8:30 बजे से एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट, एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं रात में 8:30 बजे से, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और इसके अलावा कंप्लीट एमपीजी के थ्योरी क्लास आप रिकॉर्डेड जब चाहे तब क्लास अटेंड कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास ये भी बिल्कुल फ्री आप बिल्कुल जब चाहे तब अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर कैसे जुड़ेंगे, अभी जाइए और जुड़ जाइए। सबसे पहले आपके मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर होगा, जहां से आप दूसरी ऐप इंस्टॉल करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करेंगे, इसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल पर, और इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना क्या है, गोल सेलेक्ट कर लेना है एमपीपीएससी एंड व्यापम, ध्यान रखना है आपका कॉमन गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम,
इसके बाद आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, वहां पर सर्च करेंगे नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होते ही आप फॉलो कर लें और आप ये सभी क्लासेस इस कोड का इस्तेमाल करके, कोड याद रखिएगा PANDEY, फ्री क्लास तभी अनलॉक कर पाएंगे जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे PANDEY रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये 6:30 बजे से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप और 8:30 बजे से MBBSE प्री का फुल सिलेबस टेस्ट। इसके अलावा एक बैच स्टार्ट हुआ है कल से, जिसमें मेरी क्लासेस 1 मई से स्टार्ट हो रही हैं, 1 मई से सुबह 9 बजे से। ये MCQ बैच है, प्रीलिम्स का टारगेट बैच है। सभी यूनिट्स अलग अलग एजुकेटर्स के माध्यम से कंप्लीट कराई जाएंगी। मैं इसमें पॉलिटी की क्लासेस टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा सुबह 9 बजे से 1 मई से। इस बैच की लिंक मेरी प्रोफाइल पर प्राप्त हो जाएगी, यदि आप लोगों ने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लें। और इसके साथ साथ आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 मंथ्स का, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग का ये बैच होगा। तो आप सभी लोग इस बैच में भी इनरोल कर लें, और यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन ले लें, बहुत ही किफायती सब्सक्रिप्शन है। माया जी, ये डेली होता है टेस्ट, लेकिन अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर होता है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, और ये सेशन 11 बजे से यहां पर डेली होता है। जो MPPSE प्री का फुल सिलेबस टेस्ट होता है रात में 8:30 बजे, वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर होता है। सब्सक्रिप्शन यदि आपने नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन आप सभी के लिए, ये कोड इस्तेमाल करें PANDEY, पांडे कोड इस्तेमाल करेंगे और टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। किसी भी ड्यूरेशन का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, सबसे किफायती 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का मात्र 7,920 रुपए में और 24 मंथ्स का मात्र 11,520 रुपए में। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप 30 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 मंथ्स के स्थान पर इसी चार्जेज में 14 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स जो यूट्यूब का चैनल है इसी नाम से, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग जुड़ जाइए। वहां पर मैं भी हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पर जो है कनेक्ट हो सकते हैं, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच आप सभी को। अभी मिलते हैं हम लोग 12 बजे से 12 PM से इंडियन इकोनॉमी के सेशन में, इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर ही। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दो दिनों से क्लास मिस हो रही थी अनवी जी, चलिए कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिलते हैं हम लोग 10 मिनट बाद। थैंक यू।